हर हर महादेव। हमसे एक महात्मा जी ने फोन करके पूछा है कि महाराज, हमने सुना है कि कुछ ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जो यज्ञोपवीत उतार लें, धो करके फिर दोबारा पहन लें तो उन्हें कोई दोष नहीं होता, क्या ये बात सही है? मैंने कहा ये प्रश्न आपका अच्छा है, हम जो इसका उत्तर वीडियो बना करके देंगे क्योंकि ये सार्वजनिक है। माने वो पूछना चाहते हैं कि यज्ञोपवीत कुछ ब्राह्मण लोग कुछ ऐसे भी हैं कि उतार दें, उतार कर धो करके सुखा करके फिर उसी को कपड़े की तरह पहन लें, क्या उनका यज्ञोपवीत खंडित नहीं होगा? क्या उन्हें प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए हाँ, अब इसका उत्तर देखिए कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए आचार्य महर्षि भृगु जी का वचन है कि सामान्य रूप से कभी भी यज्ञोपवीत नहीं उतारना चाहिए। यदि वो व्यक्ति कोई यज्ञोपवीत पहन करके यज्ञोपवीत स्वेच्छा से उतार देता है तो वो प्रायश्चित्ती हो जाता है। मंत्रपूतम स्थितम काये यस्य यज्ञोपवीतकम नोद्धरेत च ततः प्राज्ञो य इच्छेत् श्रेय आत्मना सकृदुत्तारणात् तस्य प्रायश्चित्ती भवेत् द्विजः। जो मंत्र पूर्वक विधि पूर्वक जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, जिनके शरीर में यज्ञोपवीत स्थित है, वो न उद्धरे, वो उसको उतारे नहीं, यह आत्मना श्रेय इच्छे, जो अपना कल्याण चाहे वो कभी उतारे नहीं यज्ञोपवीत को। यज्ञोपवीत यूं समझ लिए कि जब से यज्ञोपवीत होता है, जब से संस्कार होकर के और यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के अंतर्गत उसको पहना दिया जाता है तो वो उपनयन उतरता नहीं है, यज्ञोपवीत वो उतारा नहीं जाता। पहले अगर खंडित भी हो जाए तो दूसरा उपनयन पहन करके, दूसरा यज्ञोपवीत पहन करके और उसके बाद में वो वाला उपवीत उतार दिया जाता है, पहले वाला जो खंडित हो गया पहले पहन करके तब दूसरा उतरता है ना। पहले एक पहनिए फिर दूसरा पहनिए फिर वो जो है पुराने वालों को उतारिए, ये क्रम रहता है। यूं समझिए कि जब मृत्यु हो जाती किसी की, उपनयनधारी यज्ञोपवीत उपवीतधारी व्यक्ति की, तो उस समय भी पहले जो शवदाह से पूर्व उसका यज्ञोपवीत बदला जाता, दूसरा नया उपवीत पहना करके और उस यज्ञोपवीत को जनेऊ को उतार दिया जाता है। तो मैंने जो शवदाह होता है तो चिता पे भी उपनयन साथ में ही जाता है, वो उतरता नहीं है क्योंकि उतारने पर प्रायश्चित्ति द्विजः भवेत्। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि कोई भी उपनयनधारी ऐसा करता है तो वो प्रायश्चित्ति हो जाता है। परंतु कुछ ऐसे शाखा वाले हैं उनके लिए छूट दी गई है शास्त्रों में, वे कौन है तो सुनिए। तैत्तिरिया कठा कांडवा चरका वाज सनेयिनः कंठादुत्तार्य सूत्रम तु कुर्युर्वैक्षालनम द्विजाः बहुवृचाः सामगाश्चैव ये चान्ये यजुःशाखिनः कंठादुत्तार्य सूत्रम तु पुनरर्हन्ति संस्क्रियाम पुनरर्हन्ति संस्क्रियाम। कह रहे हैं कि तैत्तिरिया जिनकी तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेदी की शाखा है, कट साखी है जिनकी शाखा कट है, कांडवा कांडव शाखा शुक्ल यजुर्वेद की जो कांडव शाखा है जिन ब्राह्मणों की क्षत्रिय और वैश्यों की, चरकाह चरक शाखा वाले वाजसनेयिनः और ये जो माध्यन्दिन शाखा वाले वाजसनेयी हैं, कंठादुत्तार्य सूत्रम तु कुर्युर्वैक्षालनम द्विजः, वे कंठ से सूत्र को यज्ञोपवीत को उतार करके और धो करके भी पहन सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं है। परंतु ये लोग कभी नहीं उतारे, बहुवृचा ऋग्वेदी लोग नहीं उतार सकते। सामगाश्चैव साम की जो शाखा राणायनी जैमिनी कौथमी और भी कई शाखा, इन शाखा वाले ये कौथम शाखा वाले जैमिन शाखा वाले और राणायनी शाखा वाले ये लोग नहीं उतार सकते। च अन्य यजु शाखिना और इन शाखाओं में जो गिनाए गए इनके अलावा जो यजुर्वेदी हैं, कृष्ण यजुर्वेदी या शुक्ल यजुर्वेदी, उनको भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कंठादुत्तार सूत्रम तु अगर कंठ को उतार देते हैं तो पुनरर्हन्ति संस्क्रिया,
तो उनको पुनः वो सत्क्रिया दोबारा करनी चाहिए। क्या पुनः संस्क्रिया मतलब मंत्रेणोपवीतांतर धारणम एवा, वो उन्होंने अगर उतार दिया तो उनका उपवीत जो खंडित हो गया, उन्हें मंत्र पूर्वक दूसरा उपवीत धारण करना चाहिए, दूसरा जनेऊ पहनना चाहिए। उतर गया तो खंडित हो गया, लेकिन इन लोगों का, इन शाखा वालों का उतर गया, शास्त्र की बात है, देखिए मनमानी बात नहीं है, वे शास्त्र कहते हैं कि इन शाखा वालों का उपनयन उपवीत यज्ञ उपवीत जनेऊ अगर उतर जाता है या ये उतार करके धो करके पहन लेते हैं तो इनको दोष नहीं है, और इनको दोष है, वही समानक क्रिया अगर दूसरे वो करते हैं, दूसरी शाखा वाले जो उक्त से भिन्न है, तो उनको वो यज्ञ भी बदलना चाहिए, उनका खंडित हो जाएगा, उन्हें दोबारा नया पहनना चाहिए, और मनमाने ढंग से उतार देंगे तो प्रायश्चित भी करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये वाजसनेही है और चरक है, कर्ण है, तैतरी है, जिनके लिए आपने कट है, इनके लिए आपने छूट दी है, तो क्या ये रोज उतार करके धो करके सुखा करके नया पहने? बोले नहीं, ऐसा नहीं, कुछ स्थल हैं उसी समय उतार सकते हैं, रोज उतार करके ऐसे पहनने पर तो इनके लिए छूट नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, अभ्यंगे चोदधिष्णाने माता पित्रोर मृते हनि कंठा कंठा दुत्तारे सूत्रम तु कुरियोर वैक्षालनम द्विजाः। बस अभ्यंगे, अभ्यंग पूर्वक कोई स्नान कर रहे हैं, जहां शास्त्रों में निर्देश है कि इन जगह पर अभ्यंग करके मन तेल मालिश करके आप स्नान करें, तो उस समय भी आप उतार करके रख दे और तेल मालिश करके और फिर जो कर ले, मनमाने ढंग से आप तेल मालिश करनी है तब नहीं, जब शास्त्र में निर्देश है कि अभ्यंग पूर्वक आज स्नान होना तब उतार सकते हैं, न उतारे तो कोई ऐसी नहीं है कि विधि है, ध्यान देना। ये इसमें भी बात है कि ये कठ शाखा वाले और ये जो तैतरी है कांड और चरक वाजसनेही, इनके लिए जो छूट दी गई है, ये विधि नहीं है कि इन इन समय पर तो इनको उतारना ही है, नहीं नहीं, ये नियम है, नियमा पाक्षके सति विधि अत्यंतम प्राप्त हो, ऐसा नहीं है कि उतारना ही, मतलब उतार सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहे तो अच्छा है पहने रहे। और उदधि स्नान है, माने समुद्र में स्नान कर रहे हैं, प्राय समुद्र में जो स्नान होता है उसमें जो ज्वार भाटे आते हैं उनके चक्कर में अगर कोई ज्यादा नहाए तो यज्ञ उपवीत उतर भी जाता है, कई लोगों का उतर जाता है उस समय, तो इनके लिए दोष नहीं है, औरों के लिए दोष है। माता पित्रोर मृते हनि, माता पिता के मृत्यु वाले दिन जब उन्हें बदलने का विधान है, जो कोई श्राद्ध है जिस तरीके से, उस दिन या उनकी मृत्यु के आशौच के बाद जब स्नान करके वो हटाना है दूसरा पहनना है, तो ऐसे ऐसे स्थलों पर ही बदल सकते हैं। कंठा दुत्तारे सूत्रम तो कुरियुर्वै क्षालनम द्विजा, तो अगर जैसे पिताजी का माताजी का कोई क्षया श्राद्ध है, क्षया श्राद्ध, तो वो धो करके यज्ञ उपवीत खंडित नहीं है, तो उस दिन धो करके फिर पहन सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि यज्ञ उपवीत खंडित हो गया तो अब उसको फिर दोबारा पहनना है, वो नहीं पहनना है, आशौच के बाद ऐसा नहीं करना है कि आशौच में तो खंडित हो जाएगा, मृत्यु के बाद तो वो बदलना ही चाहिए, तो दूसरा ही धारण होगा ही होगा, तब ऐसा नहीं है कि उसको ही धो करके फिर दोबारा पहन लिया जाएगा। जहाँ जहाँ उतारने का विधान है, यज्ञ उपवीत कब कब बदलें इसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं, तो जहाँ बदलने का विधान है तो उस समय ऐसा नहीं है कि हम लोग तो उसी को फिर धो करके दोबारा पहन लें, नहीं नहीं, वो तो आपका सही है पर फिर भी इतनी जगह पे आप बदल सकते हैं, पर नित्य प्रति ऐसा नहीं करना है, ये शास्त्रों में ये कहा गया है, क्योंकि सामान्य रूप से तो यज्ञ उपवीते द्वेधारिये शौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीय मुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदेश्यते, ये शास्त्र का वचन है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को अपने अपने समय पर उपनयन करा करके और जीवन पर्यंत इसको धारण करना है, नियमों का पालन करना है, गायत्री का जप करना है, यही शास्त्रों का निर्देश है, इसी में सभी का कल्याण है। हर हर महादेव।